दोस्तों, अगर आप एक्सेल में पाइवट और डैशबोर्ड बनाना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पाइवट बनाते हैं, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डम्मी डेटा लिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय कोड है, नेम है, जेंडर है, सिटी है, कितने यूनिट सेल हुए, टोटल सेल्स का अमाउंट क्या है और कौन से मंथ में हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पाइवट कैसा लगाते हैं वो सीखेंगे। पाइवट का ऑप्शन एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर रहता है, यहाँ पे आपको जाना है। पाइवट आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम टेबल पे क्लिक करना है, ये डेटा खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा और इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। ये है, आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट की के लिए पहले डेटा को आप सेलेक्ट कर लेना और प्रेस करना ऑल्ट डी पी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है वेयर इज़ द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइज में आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पाइवट टेबल आ रहा है इसे चेंज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये डेटा ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वापस नेक्स्ट। अभी ये ऑप्शन है वेयर डू यू वांट टू पुट द पाइवट टेबल रिपोर्ट न्यू वर्कशीट में, तो मैंने नई वर्कशीट सेलेक्ट किया है, यहाँ से फिनिश। तो ये मेरा एक अलग से शीट बन गया जो पाइवट टेबल जिसमें रहेगा। अभी जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्लॉटिंग कर सकते हैं डेटा का। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस डेटा में अगर मुझे मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मुझे मंथ वाइज चाहिए तो सबसे पहले मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कितने टोटल सेल हुए, यहाँ पे मैं इसको वैल्यू में लेके चलाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर वाइज है, ईयर वाइज कितने टोटल सेल्स हुए उसके बारे में है। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, ये मंथ ईयर्स मैंने हटा दिया, क्वार्टर्स मैंने हटा दिया, यहाँ से सिर्फ मुझे मंथ चाहिए। तो ये आप देख सकते हो मंथ वाइज मेरा टोटल सेल्स इस तरह से कुछ आ गया है। जनवरी में 14560, फरवरी में 45680, इस तरह से आप देख सकते हो मेरा मंथ वाइज ये पूरा आ गया है। बट अगर मुझे चाहिए, आप यहाँ पे डेटा में देख सकते हो सिटी वाइज मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ है, सिटी वाइज मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये मंथ को मैंने हटा दिया सिटी वाइज। तो सबसे पहले मेरा जो मेन है वो सिटी हो गया, रो लेवल और टोटल सेल्स अमाउंट मैंने यहाँ पर ले लिया। इस तरह से आप पाइवट यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे जाकर डबल क्लिक किया तो ये अलग शीट में पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिल्टरिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप फिल्टर में जाकर किसी पर्टिकुलर लोकेशन का देखना चाहते हो तो वो अभी आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम पाइवट का यूज़ करते हैं। पाइवट के यूज़ में कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें भी होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं ये कवर करता हूँ कि अगर कभी कभी डिस्प्ले उसका होता है ना, जो पाइवट हमारे पास आता है वो उसका डिस्प्ले कुछ अलग तरीके का होता है, तो वो कैसे हम सही करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं ना मेन डेटा में कुछ चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, ओके, डिलीट कर दिया। अगर तो डिलीट करने के बाद मेरा जो पाइवट है बाइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने अगर डेटा डिलीट किया यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, बट ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, अभी इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। अब आप ये देख सकते हो टोटल अमाउंट 344,3265 है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये डेटा बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम पाइवट को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। सो दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें पाइवट में कैसे कैसे डिफरेंट थीम लाकर हम उसे और भी डैशबोर्ड के जैसा बना सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी ही वो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ।